हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस करेंगे। उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो डेडलॉक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिचुएशन होता है जहां पे टू और मोर देन टू प्रोसेस कुछ इवेंट के लिए क्या करता है, वेट करता है, और हो सकता है वो इवेंट आपका कभी आपका कंप्लीट ना हो। उसमें जो भी प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। देखिए डेफिनेशन में, द टू और मोर प्रोसेसेस आर वेटिंग ऑन सम इवेंट। कुछ इवेंट, अब वो इवेंट हो सकता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए प्रोसेस वेट कर रहा हो सकता है रेडी से रन स्टेट में एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहा हो, किसी भी टाइप का इवेंट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, टू और मोर प्रोसेस आपका कोई इवेंट के लिए वेट करता है और वो इवेंट हो सकता है कभी भी पॉसिबल, कभी भी कंप्लीट ना हो। और जो भी प्रोसेस आपका इन्वॉल्व होगा उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेडलॉक। और ये डेडलॉक आपका प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एक कोई अच्छा चीज नहीं है डेडलॉक होना ऑपरेटिंग सिस्टम में। और ये डेडलॉक टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी है, कंप्यूटर नेटवर्क का भी है और आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी ये टॉपिक है। बट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक जो डेडलॉक है। अब देखेंगे हम लोग कि डेडलॉक सिस्टम मॉडल, डेडलॉक सिस्टम मॉडल को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, या उसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक सिस्टम मॉडल, या फिर उसको बोलते हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट रिलीज लाइफ साइकिल। रिसोर्स रिक्वेस्ट रिलीज लाइफ साइकिल। देखिए मेनली आपका डेडलॉक में क्या होता है, टू और मोर प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए, जब तक इवेंट के लिए वेट कर रहा है, तो जब तक प्रोसेस को रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल होगा तब तक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा। जैसे ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किए, जैसे सेवन स्टेट डायग्राम, मान लिए कोई प्रोसेस आपका रेडी से रन स्टेट में जा ही नहीं पा रहा है, या कोई प्रोसेस को आपका इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, रन से वेट और ब्लॉक स्टेट में नहीं जा पा रहा है, या वेट और ब्लॉक स्टेट में काफी लॉन्ग टाइम तक वेट कर रहा है, आईओ डिवाइस आपका अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, उस सिचुएशन में आपका प्रोसेस को रिसोर्सेस नहीं मिलेगा और वो प्रोसेस आपका रिसोर्सेस के लिए इनडिफिनिट टाइम तक क्या करेगा, वेट करेगा। वो इनडिफिनिट जो वेट का सिचुएशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेडलॉक। और डेडलॉक जनरली ज्यादा देखा जाता है इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस मेन मेमोरी में एट ए टाइम क्या कर सके, रिसाइड कर सके। और आप लोग को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है न्यू स्टेट से प्रोसेस को क्रिएट करके रेडी स्टेट में लाना, यानी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो बताए डेडलॉक का मेन कारण कहां पे, डेडलॉक का सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलता है इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे नंबर ऑफ प्रोसेस आपका ज्यादा होगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सिस्टम में, हमारे सिस्टम में फाइनाइट रिसोर्सेस होता है, फिक्स रिसोर्सेस, नंबर ऑफ रिसोर्सेस का संख्या फिक्स होता है, उसको यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो टोटल सिस्टम का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जहां पे प्रोसेस ज्यादा होगा और रिसोर्सेस क्या होगा, कम होगा। और मल्टी प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होता है, हर एक प्रोसेस चाहता है पहले हम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लें, पहले हम, ठीक है। तो अभी इसको एक लाइफ साइकिल मॉडल से समझते हैं कि कैसे कैसे आपका प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक सिस्टम मॉडल या रिसोर्स रिक्वेस्ट रिलीज लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, प्रोसेस जो है रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है। द प्रोसेस
द प्रोसेस क्या करता है, रिसोर्सेज के लिए आपका रिक्वेस्ट करता है. द प्रोसेस विल मेक रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज. मतलब फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोसेस जो है रिसोर्स के लिए आपका रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है. जो भी रिसोर्सेज चाहिए प्रोसेस को, उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगा. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ओएस का ड्यूटी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूटी होता है रिसोर्सेज को वैलिडेट करना कि प्रोसेस के द्वारा जो जिस रिसोर्सेज का डिमांड किया जा रहा है वो रिसोर्स वैलिड है या इनवैलिड है. इसको डेडलॉक को और अच्छे ढंग से हम लोग समझने के लिए एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे, उसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसके जरिए डेडलॉक को मोर प्रिसाइजली मोर क्लियरली हम लोग समझेंगे. तो फर्स्ट में क्या बताया, द प्रोसेस विल मेक रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है. और सेकेंड स्टेप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वैलिडेट करता है, ओएस क्लियरली वैलिडेट द रिसोर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा कि रिसोर्स वैलिड है या इनवैलिड है. सपोज फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1, वो रिक्वेस्ट कर रहा है R5 रिसोर्स के लिए. P1 प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर रिसोर्स R5, बट R5 नाम का कोई रिसोर्स अपने पास नहीं है सिस्टम में. अपने पास 4 रिसोर्स है, R1, R2, R3, R4. उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड. मान लीजिए जिस रिसोर्स के लिए प्रोसेस आपका रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिसोर्स हमारे सिस्टम में नहीं है, उस केस में आपका ये रिसोर्स क्या हो जाएगा, इनवैलिड. तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखे हैं, ओएस क्लियरली वैलिडेट द रिसोर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूटी होगा रिसोर्सेस को वैलिडेट करना. थर्ड स्टेप में यदि रिसोर्स वैलिड है तो उसके अवेलेबिलिटी को चेक किया जाता है. मतलब थर्ड स्टेप में इफ रिसोर्स इज वैलिड देन चेक अवेलेबिलिटी. देन उसका क्या किया जाता है, रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं वो चेक किया जाता है. रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी किसी प्रोसेस को रिसोर्स अलाउ किया जाएगा. प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे दो एज होता है, रिक्वेस्टिंग एज एंड एलोकेशन एज. सपोज फॉर एग्जांपल आपका P1 प्रोसेस है, प्रोसेस को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. आपका रिसोर्स है आपका R1, तो P1 R1, ये प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट कर रहा है. प्रोसेस P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1 रिसोर्स. बाय द वे R1 कोई रिसोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक टेप हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है. तो R1 इज वैलिड रिसोर्स, तो चेक किया जाएगा अवेलेबिलिटी. R1 अवेलेबल है क्या, यस अभी R1 को कोई दूसरा प्रोसेस एलोकेट नहीं किए हुए है. तो इफ रिसोर्स इज वैलिड देन चेक अवेलेबिलिटी. अवेलेबल होगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इफ द रिसोर्स इज फ्रीली अवेलेबल, इफ द रिसोर्स इज फ्रीली अवेलेबल, यदि रिसोर्स हमारा फ्रीली अवेलेबल है, मतलब कोई दूसरे प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया गया है, देन उस केस में आपका रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा. किसको, प्रोसेस को, जो प्रोसेस आपका रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. देन इफ द रिसोर्स इज फ्रीली अवेलेबल देन इट विल बी एलोकेटेड
टू द प्रोसेस। यदि आपका रिसोर्स फ्रीली अवेलेबल है तो वो प्रोसेस को एलोकेट किया जाएगा जो रिसोर्सेज के लिए आपका क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यदि रिसोर्स आपका फ्रीली अवेलेबल है तो फोर्थ स्टेप में। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में प्रोसेस को आपका भेजा जाएगा, प्रोसेस को भेजा जाएगा किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस को किस लिए भेजा जाएगा, मतलब प्रोसेस को जो भी रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट यदि फुलफिल हो गया है तो प्रोसेस को कहां भेजा जाएगा, एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन प्रोसेस को जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। मान लीजिए एक प्रोसेस हम बता रहे हैं, एक हमारा डेटाबेस फाइल है आपका abc.dbf, एक डेटाबेस फाइल है। इसमें आपका 1,00,000 रिकॉर्ड है स्टूडेंट का। इसमें क्या करना है, रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। पहले ये हमारा फाइल है पेन ड्राइव में, अब उसको क्या करना है, सॉर्ट करना है, और सॉर्ट करके क्या करना है, प्रिंटर पे प्रिंट करना है सारे स्टूडेंट के लिस्ट को। तो इसमें क्या क्या रिसोर्सेस हो गया, एक पेन ड्राइव हो गया, एक आपका हार्ड डिस्क हो गया, एक सॉर्ट करने का यूटिलिटी हुआ, सॉर्ट करने का प्रोग्राम हुआ, और फाइनली रिसोर्स हुआ प्रिंटर। तो इसमें प्रोसेस को 4 रिसोर्स चाहिए, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सॉर्ट यूटिलिटी, प्रिंटर। यदि सारा रिसोर्सेस यदि प्रोसेस को मिल चुका है तो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाएगा। एंड 6 फाइनली आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन प्रोसेस रिलीजेज ऑल द रिसोर्सेज, प्रोसेस रिलीजेज ऑल द रिसोर्सेज। जैसे ही आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो जो भी रिसोर्सेस आपका एक्वायर किया होगा प्रोसेस, वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को रिलीज करेगा। जैसा कि हम लोग देखते थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझे, आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FCFS हो या राउंड रॉबिन, जैसे ही रिलीज कब करेगा, जब प्रोसेस आपका टर्मिनेट स्टेट में जाएगा। फाइनल एग्जीक्यूशन कब मानते हैं, जब प्रोसेस आपका टर्मिनेट स्टेट में जाएगा, तो जो भी रिसोर्सेस एक्वायर किया होगा वो सारे रिसोर्सेस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसको डेडलॉक सिस्टम मॉडल को फिर से एक बार समझते हैं। इसमें टोटल आपका 6 स्टेप बताए, फर्स्ट स्टेप, या इसी को बोलते हैं हम लोग रिसोर्स रिक्वेस्ट रिलीज लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेप बताए, द प्रोसेस विल मेक रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज। प्रोसेस जो है रिसोर्सेज के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स एलोकेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा एक्ट करता है, रिसोर्स मैनेजर एंड रिसोर्स एलोकेटर। और आप लोग जानते हो मेनली 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेस होता है सिस्टम में, हार्डवेयर रिसोर्स एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स में आपका मेमोरी हो जाएगा, प्रोसेसर हो जाएगा, कोई भी IO डिवाइस हो जाएगा, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज में आपका क्या हो जाएगा, फाइल और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेप में बताया, द प्रोसेस विल मेक रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज। देन सेकेंड स्टेप, OS का ड्यूटी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ड्यूटी होता है, OS क्लियरली वैलिडेट द रिसोर्सेज। मतलब OS का काम होगा कि प्रोसेस जो जिस रिसोर्स का डिमांड कर रहा है वो चेक करेगा कि रिसोर्स है अपने पास या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स वो है या नहीं है। पहले तो ये चेक करेगा वैलिड है या इनवैलिड है, उसके बाद चेक करेगा कि रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं। देखो थर्ड स्टेप में अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हैं, बट सेकंड में क्या चेक करेगा, वो वैलिड रिसोर्स है या नहीं। जैसा कि आप लोग कभी कभी करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कुछ वैसा वेरिएबल का यूज कर लेते हो जिस नाम का वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किया हो, उस केस में एरर देता है आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो थर्ड में चेक करेगा अवेलेबिलिटी। फोर्थ स्टेप में आपका, यदि रिसोर्स हमारा फ्रीली अवेलेबल है तो क्या किया जाएगा, जिस प्रोसेस के द्वारा रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया है उस प्रोसेस को रिसोर्स क्या किया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा।
और वो प्रोसेस फिर चला, वो प्रोसेस को भेजा जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के लिए यानी रेडी से कहाँ आएगा, रन स्टेट में आएगा। और जब आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो जो भी रिसोर्सेस एक्वायर किया होगा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। इससे ये होगा कि और जो प्रोसेस उसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उस रिसोर्स, उस प्रोसेस को रिक्वेस्ट क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, ताकि डेडलॉक का कंडीशन ना बने। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी ये भी देखें डेडलॉक सिस्टम मॉडल। अब देखेंगे हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, या इसको बोलते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक या डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक या व्हाट आर द डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, बोथ आर सेम। तो देयर आर मेनली फोर कंडीशन फॉर डेडलॉक, देयर आर मेनली फोर कंडीशन फॉर डेडलॉक। नंबर वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नंबर टू इज होल्ड एंड वेट। नंबर थर्ड नो प्रिम्सन। एंड नंबर फोर इज सर्कुलर बेट। देयर आर मेनली फोर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, मतलब ये चार अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर सिस्टम में डेडलॉक किस वजह से होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो डेडलॉक का पहला कारण है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूशन। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे आपका एक प्रोसेस है P2 और एक रिसोर्स है आपका R1। तो म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब होता है एक बार में कोई एक रिसोर्स को, एक ही प्रोसेस क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अभी बताए थे आपको डेडलॉक सिस्टम मॉडल में कि प्रोसेस पहले क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए। तो वो रिसोर्स यदि वो रिसोर्स वैलिड भी है, बट वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। बाय द वे R1 एक रिसोर्स है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोसेस P5 को। तो R1 को एक बार में कोई एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगा, आइदर P5 करेगा आइदर P2 करेगा। अपने पास दो प्रोसेस है यहाँ पे, P2 एंड P5, और सिंगल रिसोर्स है R1। तो R1 को या तो P2 करेगा या क्या, कौन करेगा, P5। एक साथ एक रिसोर्स को दो प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूशन। म्यूचुअल एक्सक्लूशन का मतलब क्या होगा, प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में 1:1 का रेशियो होगा, एक रिसोर्स को एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका P5 को R1 एक्सेस कर रहा है और P2 को भी R1 चाहिए, तो यहाँ पे P2 R1 के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, और जब तक P2 को R1 रिसोर्स नहीं मिलेगा तब तक वो उसको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, जब तक कि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस प्रोसेस को अवेलेबल हम लोग नहीं करवाते हैं, तब तक आपका प्रोसेस क्या करेगा, वेट करेगा रेडी स्टेट में। तो पहला कंडीशन आप क्लियर हो गया, म्यूचुअल एक्सक्लूशन। सेकेंड इज होल्ड एंड वेट के केस में क्या होता है कि प्रोसेस जो होता है पहले से रिसोर्सेस को, अभी देखिए बताए आपको एक डेडलॉक का सिचुएशन कहाँ होगा, इन द केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जहाँ नंबर ऑफ प्रोसेस आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ प्रोसेस ज्यादा होगा और रिसोर्स क्या होगा, कम होगा, और उसमें से भी क्या दिक्कत होगा कि कुछ प्रोसेस जो है पहले से रिसोर्स को होल्ड भी किए हुए है और एडिशनल रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है, वेट भी कर रहा है, तो वहां डेडलॉक का सिचुएशन और क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेस है एक P2 आपका
R1 रिसोर्स को होल्ड किए हुए हैं, P2 R1 को क्या किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। और एक एडिशनल रिसोर्स आपका है R5 के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, मतलब वो प्रोसेस ऑलरेडी रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज को होल्ड किए हुए रहता है, उसके अलावा और एडिशनल रिसोर्सेज के लिए वेट करता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होल्ड एंड वेट। थर्ड वन इज नो प्रिम्पशन। देखिए हम लोग ऑलरेडी दो टाइप का सिडलिंग एल्गोरिथम और दो टाइप का प्रोसेस भी डिस्कस किए, प्रिम्प्टिव और नॉन प्रिम्प्टिव। तो नॉन प्रिम्प्टिव में क्या होता है कि कोई प्रोसेस एक बार रेडी से रन में गया तो तभी आपका रिसोर्सेज को रिलीज करेगा जब वो क्या होगा, फाइनल अपना एग्जीक्यूशन क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। और अभी आपको बताए भी रिक्वेस्ट रिलीज लाइफ साइकिल में, ठीक है, रिक्वेस्ट रिलीज उसमें एक और आता है रिक्वेस्ट यूज एंड रिलीज। पहले रिक्वेस्ट जिस रिसोर्सेज के लिए कर रहा है उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, फिर यूज करेगा, आफ्टर दैट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो नो प्रिम्प्शन इन द केस ऑफ नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग, प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को तभी रिलीज करेगा जब उसका फाइनल एग्जीक्यूशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। एंड फोर्थ कंडीशन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है कि आपका सेट ऑफ प्रोसेस है, सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है P1 P2 और रिसोर्स भी दो है R1 R2, तो उसमें क्या करेगा, P1 आपका P2 के द्वारा होल्ड किए हुए रिसोर्स का वेट करेगा एंड P2 जो है आपका P3 का करेगा, P3 जो है P4 का करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो ये देखिए हम लोग आज के इस वीडियो में डेडलॉक का नेसेसरी कंडीशन एंड रिसोर्स रिलीज यूज लाइफ साइकिल, रिक्वेस्ट यूज एंड रिलीज लाइफ साइकिल। ओके, थैंक यू।